हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताओ? टम्मी टम्मी मिठाई लेने। क्या लेने? पहले मिठाई ले लूँ या बाद में जाते वक्त? पहले मिठाई ले लीजिए, सारा काम खत्म कर लेते हैं। मिठाई, चूड़ियाँ और छूने वाला सामान। वो देखो वाशी दीदी का स्कूल। आ गए हम लोग, यहाँ से मिठाई लेंगे। तो अभी हम आ गए हैं मिठाई की शॉप पे मिठाई लेने, मतलब आ नहीं गए, जा रहे हैं मिठाई की शॉप पे मिठाई की लेने के लिए। सामने तो हम शॉप के अंदर आ गए हैं, एंड अभी जो मम्मा ने मिठाइयाँ बोली हैं वो लेंगे। तो हम मिठाई ले चुके हैं, हम गाड़ी की तरफ जाते हुए। तो हम गाड़ी में आ चुके हैं और ये मेरा स्कूल है, बस आ गई सामने। ये मेरा स्कूल है। क्या किराया रे? बाय स्कूल, बाय बाय। आ गए हम चूड़ी लेने के लिए। अच्छा सर, ये कितना पकड़ पकड़ कर रही है। ये काजल है, श्रृंगार का सामान। हाँ ये कॉम्ब हो गई, छोटा शीशा। बिंदी हो गई, इसको मम्मा छुएगी कल तीज के दिन। छोटा शीशा। ब्लू अलग मिल जाएगी, गोल्डन अलग मिल जाएगी। दिखा दीजिए आप। गोल्डन तो वैसे ये है नहीं, ये गोल्डन नहीं, ये तांबे का है। ये वाशी रख ले तो ये। ये वाशी वहाँ पे मेरी चूड़ियाँ ले रही है, पता नहीं मिलेगी कि नहीं। याशी मम्मा क्या करने आए हैं यहाँ? मेहंदी लगवाने? हाँ। उनको भी लगवाना है, मतलब भी करवा रही है। सही से करा दूंगा ना। दौर पे ना। हाँ। चलो अब मेहंदी लगवानी है। चूड़ी हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, चूड़ी भी मिल गई। यहाँ तो मेहंदी पे इतनी भीड़ लगी हुई है। तो अभी मम्मा मेहंदी लगवाने जा रही है, मेहंदी लगना शुरू हो गई है। पर हम यहाँ कुरकुरे मोमोज खा रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। ये फालतू में लिया है पापा ने। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहंदी लगवा के और घर वापस आ गई हूँ। अब मेरे हस्बैंड खाना बना रहे हैं मेरे लिए, मुझे बहुत खुशी होती है। अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। वैसे तो मेरे ख्याल से ब्लॉग में आ ही गया होगा कि मैंने छूने के लिए क्या क्या खरीदा है। उसके अलावा मैं ब्लाउज पीस चढ़ाती हूँ भगवान के लिए, और पूरे दिन निराजल व्रत रखते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग, उसके नेक्स्ट डे हम लोग फिर जब से मतलब व्रत का शुरुआत करते हैं तब पानी पीते हैं, और बहुत अच्छा फास्ट होता है। टेलर ने मेरा ब्लाउज भी टाइम पे दे दिया, मेरी चूड़ियाँ भी आ गई, सब माता रानी की कृपा से बिल्कुल सही से हो गया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए कौन सी साड़ी खरीदी है। ओके ये है वो साड़ी, ये मैं कल पहनूँगी। ये साड़ी मेरे हस्बैंड की पसंद की है,
जो कि मुझे भी बहुत ही पसंद आई। फिर ये है इसका ब्लाउज़, फिर ये है इसका ब्लाउज़। इसमें डिज़ाइन था इसलिए ये ऐसे ही प्लेन ही सिला है, बट मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। और इस साड़ी का कलर, साड़ी का कलर मुझे बहुत पसंद है, टील ब्लू। और ये मैंने अपने साड़ी के लिए चूड़ियाँ ख़रीदी हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। फिर ये मेरे हस्बैंड ने नेकलेस ख़रीदा था जो कि मैं साड़ी पे पहनूंगी, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें सब कुछ है, मांग टीका वगैरह। फिर कल ही इन्होंने गोल्डन सन से मेरे लिए कंगन ख़रीदे थे, भाई जब इनकी पसंद का आया तो फिर मैं पहनूंगी। ये है वो कंगन। ये खाना मेरे पति देव ने बनाया है मेरे लिए, जो मैं रात को खाऊंगी। आप सुबह मिलूंगी, बाय। हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, हैप्पी तीज। और अभी सुबह के 3:28 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ चाय पीने और कुछ खा लेती हूँ अगर मन करेगा तो, फिर आपको मिलती हूँ। ये मेरी चाय बन रही है, ये सब मुझे खाना है। यम्मी। ये ब्लॉग सबूत है कि मैं खा रही हूँ। गाइस मेरी मेहंदी, आदमी के मिठाइयाँ बहुत ही टेस्टी हैं बस, लेकिन सुबह सुबह मैं खा नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी खा लिया मैंने। ये नारियल की बर्फी है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये मैंने खाया है। बूंदी के लड्डू ये भी लाए हैं बट ये मन नहीं करा खाने का। और ये भी मैंने मंगवाया था बेसन का लड्डू बट नहीं मन कर रहा। अब बस मैं जल्दी से चाय पीऊँगी पानी पी के। तो फ्रेंड्स मैंने दो तरह की मिठाई खाई है और केला खा लिया, एक चाय पी ली है, बस अब मुझसे इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसके बाद थोड़ा सा उजाला होगा तब तक फिर मैं नहा लूँगी और पूजा कर लूँगी। आप सबको मेरी तरफ से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें।